तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करेंगे किसका, तो CGKV का, ठीक है, जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फिशरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री इन डिप्लोमा, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है उसका फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम यूज़र मैनुअल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे उसके बाद आप जैसे एडमिशन यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसके बाद कुछ इस तरीके से शो होगा 3 लिंक, ठीक है, जहाँ पे आपको BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंस और आपका एनिमल हस्बेंड्री में डिप्लोमा वाला जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जिस भी किसी में आपको एडमिशन लेना है उस पर क्या करना है, आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद जैसे हम यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमें क्या करना है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी BTech जो है उसमें एडमिशन लेना है, तो उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइनअप करेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो साइनअप वाला प्रोसेस रहेगा। तो जैसे ही हम साइनअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है साइनअप फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री DEH ऑफ सीजन 2021। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कृपया सेव बटन पर क्लिक करने से पहले जन्मतिथि नोट कर लें। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और भी नोट कर लें, लॉगिन के लिए इसका उपयोग होगा, तो दोनों आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले प्रोग्राम टाइप पूछा जा रहा है, उसके बाद अप्लाइड फैकल्टी पूछा जा रहा है, फिर आपका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि आपको एकदम सही भरने हैं, जेंडर आपका जो भी है वो आपको फिल करना है। एक फील वाला जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रोग्राम टाइप, तो आप डिप्लोमा के लिए यहाँ पे भर रहे हैं ना फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे वेटनरी पॉलिटेक्निक, उसी तरह एप्लाइड फैकल्टी तो वेटनरी पॉलिटेक्निक, ठीक है, इस तरीके से आपको भरने हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टर, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, अगर लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, जेंडर डालना है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि क्या आप CG डोमिकल हैं, या आप बोल सकते हैं CG डोमिकल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो अगर है आपके पास तो यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक करें, कैटेगरी आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट करें, आर यू डिफिनेटली एबल कैंडिडेट, तो अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, ओके। और यहाँ पे फिर आपको मोबाइल नंबर और अपना एक ईमेल आईडी एड्रेस जो है वो डाल देना है, उसके बाद जैसे ही इसे ऊपर क्लिक करते हो आप तो आपके सामने क्या आएगा, एक पॉपअप शो होगा, सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा जी, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से पॉपअप शो होके आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, तो तुरंत से आप स्क्रीनशॉट जरूर लिख कर रख लेना उसको, तभी आप लॉगिन कर पाओगे बाद में। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकेंड फेज में फिर से आपको उन्हीं के वेबसाइट में चले जाना है और जिसमें भी आपको जो एडमिशन लेना है उस पर जाना है, और फिर आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्या कर देना है, क्लिक करना है। क्लिक करोगे लॉगिन पर, लॉगिन पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे आपने देखा होगा जो CGPAD का हम फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद रिकैप्चा वाला ऑप्शन है, इन तीनों को फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्या करेंगे जी, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे फिल करना है फॉर्म को, हेल्प डेस्क जो है वो भी दिया गया है। मैं आपको हेल्प डेस्क भी ज़रूर बताऊँगा कि कौन सा हेल्प डेस्क है, इनका नंबर क्या है, ऐसे करके उससे आप और काफ़ी अच्छे तरीके से पूछ सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी वगैरह दिया रहेगा, ठीक है, और जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे देखिए, फाइनली जो आपका फॉर्म भरने वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, और ये जो डिग्री प्रोग्राम टाइप है,
ठीक है, और जो फैकल्टी है ये पहले ही आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो वहाँ पे आप फेल कर लीजिएगा। उसके बाद बस नीचे फॉर्म फिलअप करने वाला प्रोसेस है जो कि बहुत ही सिंपल है। जनरली आपका कैंडिडेट नेम, विग्राम, मदर नेम्स, फादर्स नेम, ये सब पूछा जा रहा है, ओके। तो ये सब आप फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से देख के, और आपका जो डॉक्यूमेंट है, एड्रेस वगैरह है, ये सभी अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा। और ध्यान रहे, कोई गलती ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपसे गलती हो ही मत, ठीक है। फिर जैसे ही हम नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा लास्ट में कि टाइप ऑफ फ़ोन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रेगुलर फ़ोन या फिर स्मार्टफोन, तो ज़रूर क्लिक करना स्मार्टफोन पर। फिर सेव इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये भरा हुआ है। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, ये भी यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है, जो कि आप देख सकते हो अच्छे से। फिर नीचे जाएंगे, उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसमें देखिए क्या है, यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड योर बेसिक डिटेल्स, ठीक है, यानी कि आपने बेसिक डिटेल्स जो है वो अपना सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वाला जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फ़ोटो मांग रहा है और कैंडिडेट सिग्नेचर मांग रहा है। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट का जो इमेज है वो होना चाहिए 50 KB, ठीक है, 50 KB साइज का होना चाहिए, और सिग्नेचर की बात करें तो वो 20 KB का होना चाहिए, ओके। फाइल जो है वो JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके। PDF वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है, इमेज ही चलेगा, JPG और JPEG के फॉर्मेट में, कोई सा भी हो। उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका एकेडमिक जो डिटेल्स है वो मांगा जाएगा, आपका 10th का और 12th का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 3 सब्जेक्ट का, जो कि जैसे कि आपने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए 3 सब्जेक्ट मिनिमम था, तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे डिप्लोमा के लिए हमने फॉर्म फिलअप करना शुरू किया था तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितना आया था, फिजिक्स में कितना आया था और केमिस्ट्री में कितना आया था, तो ये हमने फिल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो परसेंट है वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही कॉलेज वगैरह एक ही है तो एक ही है, इसलिए यहाँ पे जो प्रिफ्रेंस है तो वो तो इधर उधर कर नहीं सकते। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली अपडेट प्रिफ्रेंस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे CGKV मिस जो बोलेगा कि यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड योर कॉलेज प्रिफरेंस डिटेल्स, तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे फाइनली जो डॉक्यूमेंट वाला है जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वाला पेज है उसमें देखिए जो तीन जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि कंपलसरी है, ठीक है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट और परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर CG डोमिकल सर्टिफिकेट है आपके पास, इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है, कृषक सर्टिफिकेट है, तो ये सभी जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका कि मिनिमम आपका जो ये वाला जो है डॉक्यूमेंट जो फाइल है वो 500 KB का होना चाहिए, आगे 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो तीन है जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भरा हुआ है, ओके। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, जनरली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा जो कि पूरा फॉर्म जो है वो आपका फिल हो जाए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोसेस फॉर पेमेंट,
तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही हो। तो आपको क्या करना है, यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपका NEFT रिसिप्ट जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, NEFT जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे, और यहाँ पे अमाउंट तो यहाँ पे 500 है, उसके बाद TR रेफरल नंबर और पेमेंट जो डेट है वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो NEFT जो रिसिप्ट है, ठीक है, वो 100 KB से कम साइज की इमेज अपलोड करनी है आपको, और जो फाइल का टाइप है वो आपका इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG में, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल जो सबमिशन है वो यहाँ पे क्या कर देना जी, कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली क्या होगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और सबमिट होने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि आपसे अनुरोध है कि आपका TR रेफरल नंबर का विश्वविद्यालय के द्वारा सत्यापन होने तक या एक दिन की प्रतीक्षा करें, सत्यापन होने के बाद आप पुनः लॉग इन कर प्रिंट प्राप्त करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुनः मतलब तुरंत आपको प्रिंट जो है वो नहीं मिलेगा जब तक सत्यापन नहीं होगा, जो आपका TR रेफरल नंबर है, ठीक है, वो सत्यापित हो जाएगा, उसके बाद ही आपका जो प्रिंट है वो क्या होगा, वहाँ पे डाउनलोड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया। उसके बाद जैसे ही आपका सत्यापन होता है, दो दिन वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप फिर से लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद सत्यापन हो जा रहेगा। फिर आपको यही इसी पेज में जाना है जो आपका प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन जो है, इस पर आपको जाना है डिक्लेरेशन पे, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट वाला जो ऑप्शन है इसमें जाना है, और प्रिंट पे ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी जो फॉर्म फिलअप किए रहेंगे आप, वो यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा और आपको प्रिंट भी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लो उसको, ठीक है। अगर आपको जैसे आप 3 तो सभी के पास होगा, 10वीं 12वीं और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, बाकी जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो ये कृषक सर्टिफिकेट है, तो ये सब जल्दी से जल्दी बनवा लो, उससे क्या है थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट वगैरह है इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।